शीतला अष्टमी या बसौरा व्रत कथा श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय।